अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं आई हूँ सना के पास, तो अभी मैं बैठी हूँ तो सना ना अंदर गई है मेरे लिए कुछ चीज़ लेने, तो देखते हैं क्या लेकर आती है और आप सबके साथ भी जरूर शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं गई थी तो सना को मैंने कहा तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ खाने के लिए, क्योंकि इसमें क्या है नमक, ये देखे मेरे लिए टैंग लेकर आई, नमक बनाने लगी है, नमक है, नमक है। अच्छा मैंने कहा शायद मुझे टैंग पिलाने लगी है, वैसे मुझे टैंग बहुत पसंद है मैंगो वाला, आपको पसंद है? तो ये लो अमरूद तुम्हारे लिए लाई हूँ, बहुत टेस्टी टेस्टी है, इतने प्यारे इतने खूबसूरत मेरे लिए अमरूद लेकर आई हो। आपने अंदर इतनी देर लगा दी, अंदर बैठ कर खुद खाती रही और मेरे लिए लेके आई है। मैंने काटना स्टार्ट किया था, मैंने कहा काट के लेके जाती हूँ इसके लिए ना, फिर मैंने सोचा एक ही काट लेती हूँ, बाकी के वहीं पे ताजे ताजे काट के खाते रहेंगे। बहुत ही मीठे अमरूद है, अगर किसी ने खाने तो आ जाओ। फिर तो कहना कसना रजीदा खुद अमरूद खा रही और हमें दे ही नहीं रही, हमसे पूछ ही दे रही। मुझे ना अमरूद के जो बीच होते हैं ना वो खाना इतना पसंद है, वैसे बेदे के लिए बहुत अच्छे होते हैं और खाने चाहिए। एक बार बताऊ निहार मुँह नहीं खाना चाहिए क्योंकि बल्दे को हैजा बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन मैं तो अक्सर खा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन बाकी जो हमारी फैमिली वाले ना वो मुझे काफ़ी टोकते हैं, वो कहते हैं भी निहार मुँह ना खाओ, आपके ना पेट खराब हो जाएगा, आपको दर्द होगी, ये होगा वो होगा, हैजा पड़ जाएगा। हमारी फैमिली मेम्बर में एक शख्स को हुआ था हैजा, इसलिए वो तो बहुत ज़्यादा टोकता है। वो कहते हैं ना जिस पे बीती हो वही जाने, तो उस बेचारे ने तो टोकना, उसको पता है उसके साथ क्या हुआ। जैसे मैं ना बॉयल अंडा नहीं खाती, क्योंकि ना एक दफ़ा नहीं मेरे साथ कितनी दफ़ा हुआ है बॉयल अंडा खाने से ना मेरे मैदे पे ना मतलब दर्द स्टार्ट हो जाता है। ये तो बेचारी कहती है कहीं अंडा मेरे अंदर न जम जाए। नहीं जम नहीं जाए, मेरे मैदे पे दर्द होती है, मैं नहीं खाती है, लेकिन मम्मी मुझे कॉल करके ये बोलती है कि ना रात के टाइम पे दूध गर्म पियो और अंडा बॉयल करके, एक तो खाना ही चाहिए सर्दियों में, आप लोगों की सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन मुझसे नहीं खाया जाता, मैं कहती फ्राई करके रोटी के साथ खा लूंगी, लेकिन बॉयल नहीं खाया जाता। चलो रजीना और काट के खिलाती हूँ तुम्हें, पहले वाला हमारा अमरूद खत्म हो गया, पहले वाला खुद ही खा गया अभी, और काट तुमने नहीं खाया, झूठी औरत। खाया है मैंने, बहुत कम खाया है, पहले अंदर बैठ कर खा कर आई है। हाँ हाँ खा कर आई हूँ मैं, इतनी अच्छी कसम से मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने कहा मैं इसके साथ जाके खाती हूँ, खाया इसने, इसलिए तो इतनी हेल्दी है, कुछ खाना नहीं इसका, इसके मैंने सोचा मैं इसके साथ ही बाहर जाके बैठ के खाऊंगी, और ये तो गलत बात है। अच्छा जल्दी करो, वैसे मीठे बहुत है और ऊपर से ना ठंड भी हो रही है, शाम जैसे जैसे हो रही वैसे वैसे ठंड हो रही है यार, और हाथ तो बहुत ही ठंडे हैं, मैंने अभी कोई काम भी नहीं किया, अभी बैठी हूँ तो हाथ ठंडे ठंडे हो रहे हैं क्योंकि ठंड शुरू हो गई है। दस्ताने ला के पहनो यार, मैं इतनी भी नहीं मरासन लेकिन जब मैं स्कूल जाती थी ना तब मैं जरूर पहनती थी, लेकिन अब नहीं। गाल सुना दी, जब मैं स्कूल जाती थी ना तब पहनती थी, अब नहीं पहनती मैं। ये क्या बात है, ये देखो तब ठंडी लगती थी अब नहीं लगती यार, अब लगती है, अब और बात है ना, अब नहीं मैं पहनूंगी क्योंकि अब पहले ना सबने मजाक उड़ा रहे हैं। ये अलग वाली नहीं, मैं तो वही पहनती हूँ जो सीधी बात है, मैं ना दिन में तो नहीं पहन के रखती, लेकिन मैं अक्सर रात में दस्ताने पहनती हूँ क्योंकि रात में ही ज्यादा ठंड होती है, इसीलिए क्यों रात को रजाई से बाहर निकाल के, मैं ऐसे बाहर निकाल के सोती हूँ। ये देख ले एक मजे की बात बताओ, मैंने रुजीना को सोते हुए देखा था, ये मुंह खोल के सोती है, ये कह रही है कि मैं ना रात को दस्ताने पहन कर सोती हो, इसका मतलब यही है ना, फिर ये ऐसे सोती होगी मतलब हाथ बाहर निकाल कर, तुम्हारी तो मुंह खोल के तूने सोती। हाँ हाँ हाँ, रात को कोई भला दस्ताने पहनता है, लगता है क्रीम श्रीम लगाती होगी, ऐसे तो नहीं कोई सीन, नहीं नहीं मुझे मुंह पे क्रीम लगाती हूँ, हाथों पैरों पे कोई क्रीम नहीं लगाती भाई। जो इस रेबी राज बताया दस साले को, मुझे तो ऐसे कोई चक्कर लग रहा है, अब छुपा रही है, बता दो यार अभी यार, वीडियो के बाद अभी ये, अभी ये यकीन मानो मेरे पास, मेरे आगे रिजल्ट पड़ा हुआ है, मेरे पास अभी दस्ताने में हर सर्दियों में पहनती हूँ, इस बार भी लेने हैं, इस बार भी लेने हैं अभी तक,
पिछले दिनों में ना ठंड नहीं चल रही थी, ये दो तीन दिन हुआ ठंड ज्यादा पड़ी है। अभी मैंने आज लेने भी थे, मेरे दिमाग में नहीं रहा, मैंने सोचा मैं ट्रेन में भी ना पहन के जाऊंगी क्योंकि ना रास्ते में भी ठंड होनी है, तो लेकिन फिर मैं भूल गई। हमने आना है ना बाजार, तो फिर मेरे पास आना सुबह। वैसे किधर जा रहा है बाजार आकर, आपने क्या क्या करना है मुझे भी बताओ थोड़ा सा। बाकी तो शॉपिंग होगी आज, क्या हमारा रह गया था जो मैंने कहा फिर आऊंगी। क्या लेना है आपने और कुछ लेना है क्या? भूल गई, याद करके आऊंगी। अभी इसने पार्लर पे जाना है। हाँ याद आया, इसने याद करवा दिया, वरना मैंने रह जाना था। कल कजन की मेहंदी है और कल मुझे पार्लर जाना है और फेशियल करवानी है, फेशियल करवानी है और वो आईब्रोज भी बनवाने हैं और वो जो ताजे फूलों का सेट भी बनवाना है मेहंदी के लिए। कल मेरे लिए ये काम है ना। हाँ कल रात को मेहंदी। हाँ तो फिर कल ना सना अपने चैनल पर व्लॉग भी बनाएगी मेहंदी का। आई मेहंदी की ये रात, साथ में ये गाना भी गाएगी। काटू और तुम्हारे लिए बस पहले दो अमरूद खाए और इतने मैंने मारी, मुझे मेरे मुंह पे बातें कर रही। हाँ जी मैंने अमरूद खा ली, काटती हूँ खाने तो। नहीं मैं नहीं खा रही, बेचारा कैमरामैन को थंबे दिया ही नहीं रहने दो, उसने खा कर क्या करना है। सही कह रही हूँ, अमीर लोग ना अमरूद नहीं खाते होते अमीर लोग क्या खाते हैं मुझे वो बता दे, आज से हम वो ही खाएंगे ठीक है। अमीर लोग खाते हैं ड्रैगन फ्रूट जो मिल्क कहने को तो महंगा होता है, हो रहा होता है इतना बेकार है। अच्छा हम बेकार चीजें नहीं खाते। अगले दिन मैंने एक वीडियो देखी ना, उसमें वो लड़की बड़ी एक्साइटेड थी, वो ड्रैगन फ्रूट खा रही थी ठीक है। कहती है मैंने ना बहुत अरमान से ये ड्रैगन फ्रूट लाया, बेचारी खा के एंड पे बोलती आज के बाद मैंने पैसे नहीं जाया करने ड्रैगन फ्रूट पे, बेकार इतना बेकार, कहाँ से लगता है यार इतना महंगा और इतना बेकार, इससे अच्छा तो हमारे ये मजेदार मजेदार अमरूद हैं। छुरी लग जाएगी मुंह में, मैं भी नहीं खा रही छुरी के साथ, मुझे लग जाएगी। इतने प्यार से कोई चीज मैं खिला रही हूँ तुम्हारी बहन दोस्त, मुझे डर लग रहा है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कहीं मुझे छुरी ना मेरे मुंह में डाल। चलो ये लो गाम चेक करो, मैं नहीं खा रही थोड़ा सा रुझीना। अच्छा अच्छा अब नहीं करूंगी, ये लो मैं नहीं खा रही अब अब नहीं खाएगी, मैं खुद खाऊंगी, मेरे साथ हाथ है अल्लाह का शुक्र। अभी मैं इसको चाय बना के पिलाने लगी पीनी। वैसे सोचने वाली बात है, पहले अमरूद और ऊपर से चाय पिलाने का इसका ना प्रोग्राम है, मुझे मारने का प्रोग्राम। कुछ नहीं होता कैमरामैन को भी, ये लो कैमरामैन ये आपके लिए। तो बन गई है यार, शाम हो गई है, चाय बना के दूं? मारने का रहता है तो बना दो। तो वहाँ मेरी कुछ भी नहीं होता, कौन कहता है चाय पीने से लोग मरते हैं। यार अमरूद खाए अब ऊपर से चाय पिएंगे तो बीमार ही होगी ना। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कसम खुदा की यार, जो ना चाय इतनी ज़्यादा पीते हैं उनका गुजारा नहीं, मतलब है रात को सोते हुए चाय, सुबह उठते हुए चाय, दोपहर को बैठे हुए चाय, शाम को लेटे हुए चाय। जी विवश, तो मैं इसको चाय बना के देती हूँ, उसका थोड़ा मूड ठीक करती हूँ, जाती हूँ को भूखी को अमरूद भी दे दूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ढेर सारी खुशियाँ दे, आमीन सुमामीन, हमें भी दे आमीन सुमामीन। तो कट्टा छूट गया, अब इसको बांधने लगे हैं, तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।